की हमें मिली है 1 मिनट सारी, रेडी टू वेयर, फटाफट रेडी हो और निकल जाओ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मीशो हॉल। और आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि आज की हॉल कौन सी होने वाली है। तो गाइस, वैसे भी आपको मेरा टाइटल देखिए पता चल ही गया होगा कि आज की मीशो हॉल होने वाली है रेडी टू वेयर साड़ीज। आई थिंक 1000 के अंदर आपको सारी साड़ीज मिल जाएंगी। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ीज सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगी मीशो में। तो हर किसी के पास ये वाला ऑप्शन होना चाहिए रेडी टू वेयर। तो बहुत प्यारी प्यारी साड़ीज जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, एंड ब्राइड्स जो है या ब्राइड्स टू बी हैं वो लोग भी ये सारी साड़ीज को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल अप किया है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरा लुक भी चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए गाइस, ये हमारी फर्स्ट साड़ी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्योर साटन की आपको ये साड़ी मिल जाएगी, एंड इस पर आपको और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, तो आप कोई और भी कलर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये है इस साड़ी का ब्लाउज पीस, ये आप देख सकते हो, ये भी आपको सेम इसी साटन मटेरियल में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा शाइनी और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मटेरियल है। सिर्फ गैस, ये वाला जो आपको पूरा ब्लाउज पीस है, सबसे पहले आपको बता दो कि आपको अनस्टिच मिलने वाला है, एंड सिर्फ ये आपको मटेरियल मिल रहा है विदाउट एनी लाइनिंग, एंड ये आपको खुद ही स्टिच करवाना पड़ेगा। आप चाहो तो आप रेडीमेड भी ट्राई कर सकते हो यार, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वाला ब्लाउज वेयर कर सकते हो जो मैंने वेयर किया है। तो मिल जाएगा 1.90 मीटर्स का, मतलब पूरा 2 मीटर का आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलने वाला है। एंड चलिए अब देख लेते हैं अपनी साड़ी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड कलर की साड़ी है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आप इसे स्टाइल अप कर सकते हो। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे वेयर कर लो, गोल्ड ज्वेलरी पे वेयर कर लो, आजकल साउथ इंडियन स्टाइल ज्वेलरी चल रही है तो आप उस पर भी स्टाइल अप कर सकते हो। तो ये है हमारी साड़ी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी, एंड ये भी आपको सेम ऐसे ही साटन मटेरियल में मिल जाएगी। ये है इसका बेल्ट पार्ट साड़ी का, एंड ये है इसकी आप बोल सकते हो बेल्ट्स, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, बहुत सारे साइजेस के लोग इसे वेयर कर सकते हो। आप कितने भी पतले हो, कितने भी मोटे हो, आराम से ये वाली साड़ी आ जाएगी। एंड अभी तो विंटर्स चल रहे हैं तो आप वॉर्म लेगीज पे भी ये वाली साड़ी इसको वेयर कर सकते हो। एंड ये है हमारी साड़ी का मेन पार्ट जो फ्रंट में आएगा, एंड इस पर आपको इनर साइड मिल जाएंगे ये हुक्स। इस पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको 2 हुक्स मिल रहे हैं। ये देखो आप साड़ी, इस पर आपको कितनी प्लेट्स मिलेंगी चलिए दिखा देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये 6th। इस वाली साड़ी में हमें मिलने वाले हैं 6 प्लेट्स, बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी स्टिच करी गई है, ये देखिए। एंड ये है वो वाला पार्ट जो आप पूरा वेस्ट के अराउंड करके फ्रंट में पल्लू के लिए लोगे, ये देखिए, ये भी सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्लेन है बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत फ्लोई फ्लोई सा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मटेरियल में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। एंड नीचे साइड आपको ऐसी वाली पूरी पाइपिंग करके दी हुई है, तो ब्यूटीफुली इसे पूरा कंप्लीट किया गया है, बहुत ही अच्छे मटेरियल में आपको साड़ी मिल जाएगी, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। एंड रेड तो अभी भाई शादी में तो बिल्कुल चल ही रहा है, रेड का तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। रेड तो आप कहीं पे भी वेयर कर सकते हो, वेडिंग में, पूजा में, फेस्टिव ओकेजन में, ऑफिस फंक्शन में, कहीं भी वेयर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ये हो गई हमारी पूरी साड़ी, एंड ये पूरी साड़ी आपको मिल जाएगी 6 मीटर्स की। चलिए इसका पूरा फुल लुक चेकआउट कर लेते हैं। हमारी सेकेंड साड़ी, बहुत ज़्यादा वायरल साड़ी है भाई, हर जगह छाई हुई है, बहुत सारे इस पर आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब जो मैंने किया है ये रोज़ गोल्ड है, इसके अलावा ब्लॉसम पिंक, चेरी पिंक, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ये सारे कलर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप इनमें से भी चाहो तो कोई और भी आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले आप देख लो इसका ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज आपको अनस्टिच्ड मिलने वाला है, मतलब जैसे मॉडल ने वेयर किया ये मत सोचना कि ये ही आपको दे देंगे, आपको खुद स्टिच करवाना पड़ेगा।
एंड आप इस पे चाहो तो काफ़ी ब्यूटीफुल से आप अलग अलग स्टाइल के क्रॉप टॉप, ब्रालेट कुछ भी वेयर कर सकते हो अगर आपको फटाफट कहीं वेडिंग में रेडी होकर जाना है तो ये है गाइस आपके लिए छोटा सा टिप, छोटू सा एकदम। तो ये है हमारा ब्लाउज पीस, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोज गोल्ड कलर का। गाइस ये ब्लाउज भी आपको मिल जाएगा 1.90 मीटर्स का एंड ये भी आपको सेम साटिन मटेरियल में मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है भाई के। एंड ये भी आपको मिल जाएगा अनस्टिच। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा साड़ी। तो ये है हमारी साड़ी, ये मुझे मिली है मतलब वो मैंने सेलेक्ट किया था रोज़ गोल्ड। तो ये है हमारी साड़ी, सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ इसके बॉर्डर्स, मतलब इसके बॉर्डर्स तो क्या लग रहे हैं भाई, पूरा पर्ल का आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा, बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा इस पर एम्ब्रॉयडर्ड किया गया है। आप देख सकते हो पूरे वाइट एंड गोल्डन कलर के आपको पर्ल मिल जाएंगे पूरी साड़ी के बॉर्डर्स में, पल्लू में, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये पहले आपको साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें टू कलर्स की साड़ी मिली है। ये ऐसी साड़ी मिली है, सबसे पहले आपको ये जो टक इन करना है ये वाली साड़ी आपको कुछ ऐसी मिल रही है। ये देखिए ये है हमारा मेन पार्ट बेल्ट का, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज से लेके ट्रिपल एक्सेल साइज तक कोई भी वेयर कर सकते हैं। एंड ये जो मटेरियल है ये आपको मिल जाएगा वाइट कलर में हाफ, ये देखो आप यहाँ तक आपको ये मटेरियल हाफ मिल जाएगा ऐसे वाइट कलर में कंट्रास्ट में। एंड इसके बाद वाला जो पूरा आपको ये है इसका अंदर से हुक पार्ट, ये भी आपको डबल हुक्स मिलेंगे इसमें। एंड चलिए देख लेते हैं इसका आपको कितनी प्लेट्स मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, हमें फाइव प्लेट्स मिल जाएंगी इस वाली साड़ी में। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली पूरी स्टिच करी गई है, ये देखिए। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है जस्ट हमारा रोज़ गोल्ड वाला कलर, जो कि कंट्रास्ट लुक में दिया गया है। ये आपके पूरा कलर आएगा पल्लू में एंड इसके नीचे भी सेम आपको ऐसे ही वाले पर्ल वाले बॉर्डर्स मिल जाएंगे, देखिए। इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, काफ़ी रिच लुक आ रहा है। एंड ये है इसका पल्लू वाला पार्ट, जो कि आप वेस्ट के अराउंड टक इन करके घुमा के वेयर करोगे, ये देखिए। इस पर भी आपको पूरा ये पर्ल वाला पूरा लुक मिल रहा है। एंड ये है इसका पल्लू, मतलब इतना प्लेन है तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिख रहा है, मतलब इस पर आप कुछ भी स्टाइल अप करोगे ना, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो, चाहे पर्ल की ज्वेलरीज हो, चाहे गोल्ड की ज्वेलरीज हो, बहुत ज़्यादा आपका लुक इन्हांस दिखेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर आएगा, कितना रिच लुक आ रहा है इस वाली साड़ी का। एंड पूरी ये आपको साटन मटेरियल में मिल रही है। एंड गाइस ये वाली पूरी साड़ी का अगर आप लेंथ पूछो तो ये आपको मिल जाएगी पूरी 6 मीटर्स की साड़ी। तो चलिए गाइस इसका पूरा फुल लुक चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वाली हॉल नहीं देखी रेडी टू वेयर साड़ी वाली तो प्लीज चेकआउट करना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया मैंने। चले गए अब देख लेते हैं हमारी थर्ड साड़ी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लोरी सी साड़ी है, काफी लाइट वेट सी है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इस साड़ी का ब्लाउज पीस। ये है साड़ी का ब्लाउज पीस, जो कि आपको अनस्टिच मिलेगा, ताकि पुलओवर्स पे भी जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लैक कलर के पुलओवर्स पे, ब्लैक कलर की फुल यहाँ तक कि टॉप पे, क्रॉप टॉप पे, किसी पे भी आप स्टाइल अप करोगे बहुत ब्यूटीफुल लगेगी वाली साड़ी। ये है इसका ब्लाउज पीस, जो आपको मिल जाएगा चंदेरी मटेरियल में से। ये फैब्रिक है इसका, इसके अंदर वाली लाइनिंग नहीं दी है, ये आपको खुद स्टिच करवाना पड़ेगा 1.90 मीटर्स का। चलिए अब देख लेते हैं हमारी साड़ी। एंड ये वाले साड़ी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेल्ट भी मिल रही है, तो आपको बेल्ट दिखा देती हूँ। ये है हमारी गोल्डन कलर की बेल्ट, जो कि आप इस साड़ी को वेयर करने के बाद अपने वेस्ट में पहनोगे तो बहुत ही हाई फाई वाला लुक आएगा। एंड इसके साथ आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये ऐसे वाले हुक दिया हुआ है, जो कि आप अपने वेस्ट वेयर कर सकते हो, मतलब कितने भी मोटे हो, कितने भी पतले हो, आराम से वाली बेल्ट आ जाएगी, हर साइज़ के लोग इसे वेयर कर सकते हैं। एडजस्टेबल इस पर चेन दी हुई है इस वजह से, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बेल्ट है, आई मस्ट से। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है,
काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएगी, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगी। किसी गाउन पे, ड्रेस पे, किसी पे भी इस बेल्ट का आप यूज़ कर सकते हो इस साड़ी के साथ साथ। तो चलिए अब आपको दिखा देती हूँ हमारी साड़ी। तड़ा, ये है हमारी साड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आई मस्त से, एंड ये आपको मिल जाएगी जॉर्जेट मटेरियल में। तो ये है हमारी साड़ी। इस साड़ी में पता है क्या, इसमें आपको आई थिंक 7-8 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड इसके एंड में ना आपको ये वाली ऐसे डोरी भी दी है। ये है इसका बेल्ट पार्ट, ये देखिए, एंड ये है इसका हुक पार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी सेम आपको ऐसी ही डोरी दी है। आप पहन लोगे पूरी साड़ी, उसके बाद हुक लगाने से पहले आपको ये डोरी टाई अप कर लेनी है, जिससे कि ये साड़ी मतलब किसी पे भी, किसी अगर फंस भी जाए तब भी ये बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है। वैसे रेडी टू वेयर साड़ीज काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं, जल्दी ये ओपन या ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ मैल फंक्शन। तो ये है हमारी साड़ी, पूरी साड़ी आपको ऐसे वाले मटेरियल में मिल जाएगी, ऐसे वाला आपको टाई एंड डाई वाला पूरा ये जॉर्जेट फैब्रिक मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें और भी कलर ऑप्शन है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वाली जॉर्जेट साड़ी में हमें कैसी प्लेट्स मिली हैं, कितनी मिली हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th हमें इस वाली साड़ी में 6 प्लेट्स मिली हैं, मतलब साड़ी का पार्ट जो कि पल्लू में जाएगा। ये भी सेम आपको ऐसे ही प्रिंट में मिलने वाला है, ये देखिए। प्लेन ज़रूर है, बट इसका लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा है। साड़ी 6 मीटर्स की है, उसके बाद पूरी स्टिचिंग की गई है। हे गाइस, ये हो गई हमारी 3rd साड़ी, इसका भी पूरा फुल लुक चेकआउट कर लेते हैं। पहले मैंने मीशो ज्वेलरी हॉल की थी, बहुत सारे आई थिंक 27-28 आइटम्स थे, बट एक आइटम ना मुझसे मिस हो गया था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पूरा मैसअप हो रखा था ना, मिल ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी ज्वेलरी रह गई है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ ये वाला कॉम्बो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का सेट, चलिए दिखा देती हूँ, बिकॉज उस दिन ये रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आज की हॉल में से इंक्लूड कर देती हूँ। ये देखिए, ऐसी वाली कुछ आपको बॉक्स में मिलेगी, ऐसी पैकेजिंग है इसकी, एंड ज्वेलरी ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है इसमें। ये देखिए, आपको 4 ज्वेलरी का कॉम्बो मिल जाएगा इसमें। ये देखिएगा, सबसे पहले दिखाती हूँ आपको ये वाइट कलर की ज्वेलरी, ये है हमारी 1st ज्वेलरी, ये आप देख सकते हो, ये आपको वाइट कलर की मिल जाएगी पूरे कलर में, एंड नीचे इस पे घुंघरू लगे हैं, एंड ऊपर साइड आपको ऐसे वाला कुछ लुक आएगा। बैक साइड इसका आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से रखोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की यही क्वालिटी होती है कि जल्दी ख़राब नहीं होती, आप कितना भी यूज़ करो। तो चलिए इसका आपको सबका लुक दिखा देते हो, पहले आप सब ज्वेलरी देख लो। गाइस, ये है हमारी 1st ज्वेलरी का लुक, एंड ये वाला आपको काफ़ी ब्यूटीफुल वाला कॉम्बो मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 215 रुपीज़ में, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। अब आपको दिखा देती हूँ 2nd ज्वेलरी, इसे मैंने अपनी आई थिंक कुर्ते हॉल में ये वाली ज्वेलरी वेयर करके शो की थी। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की आपको मिल जाएगी, एंड इस पर भी आपको सेम ऐसे ही घुंघरू मिल जाएंगे। ये बैक में इसकी जो डंडी होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो आराम से आ जाएगी। ये है ब्लैक वाली ज्वेलरी, आप साइड में सबकी फ़ोटोज़ चेकआउट करते जाना। एंड ये है हमारी सेम ऑक्सीडाइज कलर की सिल्वर ज्वेलरी, ये देखिए, इसका शेप कुछ डिफरेंट है इस वाले से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वाली ज्वेलरी भी, मुझे याद नहीं है ऐसे मैंने वेयर किया कि नहीं किया। एंड अब आपको दिखा देती हूँ ये वाली ज्वेलरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये ब्लू कलर की है, एंड इसका
जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए ब्लू कलर की है पूरी, एंड इस पर सर्कल में नीचे ऐसे घुंघरू लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी है। इसका लुक भी आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेटी लगेगा। सो गाइज, ये हो गई हमारी सारी ज्वेलरी। अब तो मैं ये लास्ट वाली साड़ी दिखा लूँ, उसके बाद ही इसे चेंज करूँगी। सो गाइज, ये है हमारी लास्ट साड़ी, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड ये है हमारी बनारसी रेडी टू वेयर साड़ी, जो बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। आप लोगों ने जॉर्जेट मटेरियल में साटन बहुत सारे स्टाइल की साड़ीज़ देखी होगी, बट ये वाली ना कुछ डिफरेंट लगी मुझे। मुझे लगा बनारसी साड़ी, शायद मैंने लास्ट टू लास्ट रेडी टू वेयर साड़ी हॉल में बनारसी साड़ी दिखाई थी, तो अब ये वाली साड़ी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। चलिए आपको दिखा देती हूँ। तड़ा, ये है हमारी काफ़ी ब्यूटीफुल बनारसी रेडी टू वेयर साड़ी। अलग शादी के बाद अलग अलग जैसे रिचुअल्स होते हैं, उस पर आप ये सारी साड़ीज़ को पहन सकते हो, पूजा हो गया या और भी कुछ चीज़ें हो गई। तो चलिए आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ। ये वाली साड़ी आपको मिल जाएगी पिंक एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ये है इस साड़ी का ब्लाउज पीस, जो कि आपको अनस्टिच मिलेगा, आपको खुद ही ये स्टिच करवाना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये वाला आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा साड़ी के एंड में। एंड ये आपको मिल जाएगा 2 मीटर्स का। ये आपको ऐसे बॉर्डर्स मिल जाएंगे, जो कि आप स्टिच करवाते समय बॉर्डर्स पे डिज़ाइन करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से स्टार्ट होती हमारी साड़ी विद बेल्ट। ये देखिए, ये है हमारी साड़ी का बेल्ट पार्ट। पिंक कलर के फैब्रिक में आपको ऐसी वाली कुछ लाइनिंग मिल जाएगी। ये देखिए आप, काफ़ी अलग सा पैटर्न आ रहा है इस वाली साड़ी में। एंड ये जो बेल्ट है, ये आपको बनारसी स्टाइल में मिल जाएगा पूरा बॉर्डर। ये देखिए, स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सल साइज तक कोई भी इसे वेयर कर सकता है। एंड ये है हमारी साड़ी का लुक, आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल पूरे बनारसी पैटर्न में आपको पूरे प्लेट्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारे प्लेट्स, एंड इस पर आपको कितने मिल जाएंगे प्लेट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको इस साड़ी में मिल जाएंगे 5 प्लेट्स विद इतने ज़्यादा हैवी बॉर्डर के साथ। आप इसका बॉर्डर देखो कितना ज़्यादा हैवी है। ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैंने सोचा इसे एंड में ही आप लोगों को दिखाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैवी सा पूरा बनारसी स्टाइल में आपको बॉर्डर मिल जाएगा। एंड पूरा इस पर जो वर्क किया गया है सिल्क साड़ी में, ये तो बताना ही भूल गई, ये वाली साड़ी आपको मिल जाएगी सिल्क मटेरियल में विद बनारसी वर्क। ये देखिए, पूरा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली पूरा बनारसी साड़ी में ये पूरा मशीन वर्क किया गया है। ये इसके बॉर्डर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड पिंक के कंट्रास्ट में वाली साड़ी आपको मिल जाएगी। एंड पूरे में काफ़ी हैवी वाला ये पूरा बूटे बूटे वाला जरी वर्क किया गया है, काफ़ी फिनिश वर्क है, आप देख सकते हो बैक से काफ़ी अच्छे से पूरा मशीन वर्क इस पर किया है। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। या ब्राइड टू बी ये वाली साड़ी इसको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है ये। एंड आप चाहो तो प्लेट में या ओपन पल्लू में कैसे भी इस साड़ी को वेयर कर सकते हो। एंड इतनी ज़्यादा लॉन्ग साड़ी है ये, आई थिंक ये 6 या 6.5 मीटर्स की साड़ी है, बिकॉज इसका पल्लू ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, एंड आराम से आपके सर पे भी आ जाएगा, मतलब जिन्हें सर पे पल्लू रखना है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। होप सो गाइस, आपको मेरी लास्ट साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट हॉल किस पे चाहिए, तो मैं फटाफट ऑर्डर कर दूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप मेरी अपकमिंग हॉल वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।